गुड मॉर्निंग क्लास फाइव। आज हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे। मैं आपका मैथ टीचर विजय सर बोल रहा हूँ। इंडियन प्लेस वैल्यू को समझने के लिए सबसे पहले हम एक लंबा डिजिट लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये एक लंबी संख्या या एक नंबर हो गया। अब इसे हम क्या करते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू के अंदर क्या क्या होता है उसे हम देखते हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड में वंस होता है, उसके बाद ये टेंस होगा, फिर हंड्रेड्स होगा, देन थाउजेंड्स हो गए, उसके बाद टेन थाउजेंड्स हो गए शॉर्ट में TT, और 10,000 होने के बाद फिर ये लाख होगा, लाख या लाख जैसे भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, और उसके बाद फिर ये शॉर्ट में TL यानी 10 लाख, उसके बाद C 4 करोड़, और उसके बाद TC दैट मींस 10 करोड़। अब हम क्या करते हैं, ऊपर हमने जो नंबर लिखा हुआ है इसको इसमें हम लोग स्प्लिट करते हैं। वंस पे क्या आएगा, सबसे दाईं तरफ जो संख्या है हमारी वो 9 है, उसको वंस के नीचे में हम लिख देते हैं। उसके बाद 8 है, 8 को हम लोग ये टेंस के नीचे में लिखते हैं। 100 पे क्या है हमारा, 7 है, 7 को इसके नीचे लिखते हैं। देन ये 6 जो है ये 1000 पे आएगा, ये ठीक 1000 के नीचे हमने ये 6 लिख दिया। देन TT मीन्स 10,000, और ये 10,000 क्या है, ये 5, 6 मिलके ये 10,000 बनते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे आपने देखा कि 1000 पे ऑलरेडी 6 आ गया है यहाँ पे, तो इस जगह पे 10,000 की जगह पे ये जो 5 है आप इसको लिखिए यहाँ पे। उसके बाद ये 4 बचता है, ये 4 क्या होगा, ये लाख होगा, यानी 4 लाख के पोजीशन पे जाएगा ये। उसके बाद आपने देखा यहाँ ये 3 है, लाख के बाद क्या होगा, TL means 10 लाख, और 10 लाख के जगह पे 4 ऑलरेडी हमने लाख पे रख दिया है, अब ये 3 बचा है, तो इस 3 को या 3 को इसके नीचे हम डाल देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ 2 है, ये सीधे सीधे ये करोड़ के प्लेस पे चला जाएगा, और उसके लास्ट में हमने क्या देखा, 1 बचा, ये 1 जो है ये कहाँ पहुँच रहा है, ये TC पे, यानी क्या कहते हैं इसे, इसे हम कहते हैं 10 करोड़, या फिर इंग्लिश में 10 करोड़, ठीक है। तो इस तरह से इंडियन प्लेस वैल्यू को हम सजाते हैं। अब कोई भी नंबर आपको दिया हुआ हो, सपोज़ आपके क्वेश्चन में कोई एक नंबर दिया हो 2, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 2, 8, अब जिस प्रकार से ऊपर हमने इसे सजाया है उसी तरह से आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। वंस में स्प्लिट कर सकते हैं, टेंस में स्प्लिट कर सकते हैं, हंड्रेड में स्प्लिट कर सकते हैं, थाउजेंड में स्प्लिट कर सकते हैं। इस तरह करते करते आप 10 करोड़ तक की संख्या को आप देखेंगे कि कैसे इसको स्प्लिट किया जाता है। अब ये क्वेश्चन जो है, ये हमने जो इसमें लिखा है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप इस तरह से स्प्लिट कीजिए और देखिए ये आपसे बन रहा है।